अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो जैसे हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, आपका अलाउद्दीन खिलजी, उसके अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया था, आमिर खुसरो उनके ड्यूरिंग हिज रेन, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग परमानेंट आर्मी, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, अटैक ऑन रथम्बन फोर्ट 1301 में, अटैक ऑन रथम्बन फोर्ट, कंट्रोल मार्केट पॉलिसी, हाँ ना, और अलाई दरवाज़ा बिल्ड किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चेहरा एंड दाग सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेहरा एंड दाग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी। सो हमने ये डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम तुगलक डायनेस्टी के पास गए थे, जिसमें फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनके फ्लैशबैक में थोड़ा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। गियासुद्दीन तुगलक क्या थे, इन्होंने तुगलकाबाद नामक शहर की रचना स्थापना की थी, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप कराया था, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था, ठीक है, बस यही था। मोहम्मद बिन तुगलक में क्या बोलते हैं, इन्होंने पागल राजा कहा जाता है, ठीक है। इनके ही रेंग में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट डाउन, इनके ही रेंग में इब्न बतूता, हु इज़ फेमस फेमस ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को आए थे। इनकी एक बुक थी जिनका नाम था सफ़रनामा, इज़ ऑल्सो नोन एज रहला, ओके। सो प्लीज़ नोट डाउन, इब्न बतूता इन्हीं के काल में आए थे। इनकी एक द्वारा एक बुक लिखी गई थी सफ़रनामा, जिसका नाम हम रहला भी कहते हैं, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी, ड्वार्फ टैक्सेशन, रियल नेम क्या था इनका, जोना खान, ओके। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, तुगलक फिर गजिन थे। इन्होंने लाइटनिंग सिस्टम इम्प्रूव कराया था कहाँ पे, कुतुब मीनार में, ठीक है, जजिया, खराज, जकात, ये सब टैक्स लगाए थे। सबसे ज़्यादा गुलाम इनके वंश में थे, ठीक है, फतवत फिरोज शाही। सो ये था सब कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद आज हम पढ़ते हैं यहाँ से, फिरोज शाह तुगलक के मरते ही तिमूर का, तुगलकाबाद का डिक्लेरेशन देखने को मिला। फिर आता है तिमूर इन्वेशन 1398 में, ठीक है। तिमूर इन्वेशन में आपको सिर्फ दो चीज़ पढ़ने, डिसेंडेंट किसके थे, चंगेज खान के, ठीक है। और इसके बाद जब ये मर जाते हैं तो खिजर खान को ये छोड़ जाते हैं पंजाब में एक लेफ्टिनेंट के तौर पे, ठीक है। सैयद डायनेस्टी आती है, फिर सैयद डायनेस्टी में क्या होता है, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी खिजर खान, ठीक है, लेफ्टिनेंट ऑफ तिमूर, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं लोधी डायनेस्टी, इंपॉर्टेंट है, अफगान थे, पठान से आए थे, ओके। फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी बहलो लोधी, ठीक है, बहलो लोधी वो सक्सीड बाय निजाम खान। अब निजाम खान कौन है, निजाम खान ही सिकंदर लोधी है, उनका अदर नेम सिकंदर लोधी है, ठीक है। एसेंडर ने थ्रो इन 1488 एज सिकंदर लोधी, ठीक है। आगरा शहर की नींव रखी, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आगरा शहर की नींव किसने रखी, ऑप्शन में देंगे आपको निजाम खान दे देंगे, बहलो लोधी दे देंगे, और आपका आपका कुछ और दे देंगे, मतलब चार तीन ऐसे दे देंगे और निजाम खान देंगे, लेकिन सिकंदर ना लोधी नहीं देंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि निजाम खान का ही नाम सिकंदर लोधी था, ओके। तो डोंट बी कंफ्यूज, ओके, सिकंदर लोधी आएगा या निजाम खान आएगा, तो दोनों में से आपको एक कोई सा भी आप टिक कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद आगरा शहर की नींव रखी 1504 में, ही फाउंडेड आगरा, सिकंदर लोधी ने, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, किसने करी थी, सिकंदर लोधी ने, ओके। रियल नेम ऑफ सिकंदर लोधी वॉज निजाम खान, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। जो हिंदुओं पर टैक्स लगता था जजिया कर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद एक ना 32 डिजिट्स का एक मेजरिंग का तरीका था, कल्टीवेटिंग लैंड का, ठीक है, मतलब गजे सिकंदरी जिसे कहते थे, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कल्टीवेटेड लैंड के लिए 32 डिजिट का क्या पैमाना था नापने का, तो वो था हमारा गजे सिकंदरी। इंट्रोड्यूस किसने किया था, सिकंदर लोधी ने, ओके। उसके बाद इनकी एक पोयम है गुल रुखी, वो किसने रोट की थी, सिकंदर लोधी ने, मतलब अपने लिखी थी इन्होंने, किसने, सिकंदर लोधी ने। पूछा जाएगा कि गुल रुखी किसके द्वारा लिखी गई है, हु रोट इस गुल रुखी, तो आपका सिकंदर लोधी, ओके। इब्राहिम लोधी, ये तो आप सब जानते ही है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोधी, ठीक है, तो बाबर जीत जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत, यहाँ से हमारी फिनिश होगी, तो आज हमारा कंप्लीट हो जाता है दिल्ली सल्तनत। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मुगल एम्पायर, ओके। सो स्टूडेंट्स बने रहिएगा मेरे साथ, मुगल एम्पायर के साथ, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ आपसे, सी यू नेक्स्ट टाइम।